हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का लेसन 13। टॉम सॉयर पेंट्स द फेंस। इसमें एक लड़के का नाम है टॉम सॉयर, जो एक फेंस को क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। बेटा, ये उसके बारे में एक स्टोरी है। पहले देखिए, ये जो बच्चा है इसका नाम क्या है, टॉम सॉयर, और ये फैंस को पेंट कर रहा है। अब देखिए, फैंस क्या होती है, एक ऐसी चीज़ जैसे जो लगी होती है ना हमारी गार्डन के साइडों में, या फिर हाउस को घेरने के लिए बनाई जाती है, या फिर किसी फील्ड को चारों तरफ से घेरने के लिए जो बनाई जाती है। जैसे देखिए, ये चारों तरफ से ये फैंस है जो ये हाउस को घेरने के लिए बनाई हुई है। तो ये जो टॉम सॉयर था, ये इस फैंस को क्या कर रहा था बेटा, पेंट कर रहा था। तो ये उसके बारे में एक छोटी सी अच्छी सी स्टोरी है जो आप ध्यान से सुनेंगे इस बच्चे के बारे में। देखिए, टॉम सॉयर वॉज अ 12 ईयर ओल्ड बॉय विद अ बिग जॉब। टॉम सॉयर जो कितने साल का था, 12 साल का था, उसे एक बार क्या मिली, एक बिग जॉब मिली, एक बड़ा काम दिया गया। अब वो बड़ा काम था क्या, ही हैड टू पेंट, उसको पेंट करना था 90 फीट। 90 फीट का क्या था, लॉन्ग फैंस। 90 फीट का क्या लंबा था, एक लॉन्ग फैंस था जो 90 फीट लंबा था, और टॉम सॉयर को क्या करना था, उसको पेंट करना था। इट वॉज़ अ हॉट डे, उस दिन बहुत ही गर्म दिन था। एंड ही कुड हियर एवरी वन इन द नेबरहुड टॉकिंग एंड लाफिंग, और जो उसके आसपास के लोग थे, जो नेबरहुड थे, वो आपस में बातें कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। देखो, उस दिन गर्म दिन भी था, उसको तो काम मिला हुआ था, और वो अपने चारों तरफ क्या सुनता है, वो क्या देखता है, पेंट कर रहा होता है जब वो, और सुन रहा होता है, वो देखता है कि उसके चारों तरफ के जो लोग हैं वो आपस में ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और टॉम सॉयर क्या कर रहा होता है, देखिए, ही डिप्ड इज ब्रश इन द पेंट, और वो क्या कर रहा होता है, वो डिप डिप करके पेंट कर रहा होता है। हम देखते हैं ना, जो पेंटर होता है वो बास्केट के अंदर बार बार ब्रश डालता है, डिप करता है, और फिर दोबारा से पेंट करता है। ऐसा ही टॉम सॉयर कर रहा था बेटा, वो उसमें ब्रश डाल रहा था, बार बार डिप कर रहा था, और क्या कर रहा था, पेंट कर रहा था। ब्रश इन द पेंट कैन एंड पेंटेड, अब उसने क्या किया था देखिए, एंड पेंटेड सम पार्ट्स ऑफ द फैंस, और उसने वो जो फैंस थी उसका कुछ पार्ट पेंट भी कर दिया था। देन ही डिड इट अगेन एंड अगेन, और वो दोबारा और दोबारा ऐसे ही किए जा रहा था, क्योंकि हमें पता है ना, उसको वो पूरी की पूरी फैंस क्या करनी थी, पेंट करनी थी। तो वो दोबारा दोबारा क्या करे जा रहा था, पेंट किए जा रहा था, और बार बार डिप किए जा रहा था बास्केट के अंदर। आगे देखिए बेटा, टॉम थॉट अबाउट ऑल द फन थिंग्स ही कुड बी डूइंग राइट नाउ, और उसके दिमाग में वो सोच रहा था, वो ऐसा सोच रहा था काम करते करते। कई बार होता है ना, आप भी काम करते हो तो आपके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, ऐसा ही वो जो टॉम सॉयर था वो बहुत ही नोटी लड़का था। जब वो फैंस को पेंट कर रहा था तो वो अलग अलग तरीके की फ़नी थिंग्स सोच रहा था, फ़न वाली थिंग्स सोच रहा था। मतलब वो ये सोच रहा था कि वो इस टाइम पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता था, जिसमें उसको मज़ा आता करने के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता था अभी के वक्त में, जिस टाइम पर वो पेंट कर रहा था, वो ऐसा सोच रहा था। ही थॉट अबाउट स्विमिंग, वो स्विमिंग के बारे में सोच रहा था, वो सोच रहा था कि मैं इस टाइम पे फैंस को पेंट कर रहा हूँ, तो मैं इस टाइम पे क्या कर सकता था, मैं स्विमिंग कर सकता था, मैं स्विमिंग के मज़े ले सकता था, और क्लाइंबिंग ट्रीज़, या फिर मैं पेड़ों पर चढ़ सकता था, कूद सकता था। जस्ट देन, तभी एकदम से टॉम्स फ्रेंड जिम वॉक्ड बाय,
टॉम का एक फ्रेंड था जिम, वो वहाँ से जा रहा था। जब जो टॉम सैयर था, जब वो ये सब बातें सोच रहा था, तभी उसका फ्रेंड वहाँ से जा रहा था। ही वॉज कैरिंग अ बैग ऑफ ग्रोसरीज। उसके पास क्या था? एक ग्रोसरीज का बैग था। ग्रोसरीज क्या होती हैं बेटा? सब्जियाँ। मीन्स उसके पास क्या था? एक सब्जियों का बैग था। हेलो जिम, विल यू हेल्प मी पेंट दिस फैंस। अब उसने जिम को क्या कहा कि हेलो जिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस फैंस को पेंट करने के लिए? आस्क टॉम, उसने टॉम से पूछा। सॉरी टॉम, टॉम ने क्या कहा? सॉरी, माय मैम सेड, मेरी मैम ने क्या कहा है? आई हैव टू गेट दिस ग्रोसरीज होम फॉर लंच। उन्हें क्या मिल जानी चाहिए? ये ग्रोसरीज उन्हें लंच तक मिल जानी चाहिए। आंसर्ड जिम, जिम ने आंसर दिया, क्योंकि देखो वो तो फ़नी फ़नी चीज़ें सोच रहा था। जो टॉम था वो क्या सोच रहा था? वो तो ये सोच रहा था कि क्या हो जाएगा, कि मैं इस टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता था, मैं पेड़ों पे चढ़ सकता था या फिर मैं स्विमिंग कर सकता था। और जब उसका दोस्त जिम वहाँ पर आया तो उसने जिम से हेल्प मांगी, लेकिन जिम ने उसे मना कर दिया। जिम ने क्या कहा? मुझे तो सब्जियां लेकर जाना है और मुझे लंच तक वो सब्जियां लेकर घर पर जानी ही हैं, इसलिए सॉरी मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता, मीन्स मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद देखिए बेटा क्या हुआ था, देखिए। डैट्स ओके जिम, उसने कहा डैट्स ओके, कोई बात नहीं जिम, आई विल टेक दोज ग्रोसरीज एंड यू कैन पेंट द फेंस। उसने कहा कि कोई बात नहीं जिम, मैं तुम्हारी ग्रोसरीज ले जाऊँगा, मीन्स मैं तुम्हारी सब्जियाँ ले जाऊँगा, एंड यू कैन पेंट द फेंस, और तुम क्या कर दो? तुम मेरा फेंस को पेंट कर दो। उसने यही कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूँगा और तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारी ग्रोसरीज तुम्हारी मैम को दे आऊँगा, और तब तक तुम क्या कर देना? तब तक तुम मेरा ये जो फैंस है जिसको मैं पेंट कर रहा हूँ, तुम उसको पेंट कर देना। आई विल कम, फिर मैं भी आ जाऊँगा, एज सून एज आई एम फिनिश्ड, टॉम सेड क्विकली। अब क्या हुआ? उसने क्या कहा कि मैं ये सब्जियाँ देकर बहुत जल्दी आ जाऊँगा और फिर हम दोनों ये काम को पूरा कर देंगे, टॉम ने फटाफट से कहा। जल्दी से ये बात उसने जिम को कही कि तुम्हारी जो ये सब्जियां हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, ये बड़ी जल्दी मैं देके आ जाऊंगा और फिर हम दोनों इस काम को फटाफट से, ये जो फैंस वाला काम है इसको हम दोनों फटाफट से फिनिश कर देंगे। इस पर जिम ने क्या कहा? ओ नो टॉम, नहीं टॉम, माई मैम सेड, मेरी मैम ने क्या कहा है? यू डिडंट ट्राई टू मेक मी पेंट द फैंस, सॉरी। अब वो क्या बोलता है? वो कहता है कि मेरी मैम ने बिल्कुल मना किया है तुम्हारी मदद करने से, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद करने से मना किया था, सॉरी मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। टॉम वॉच्ड जिम वॉक डाउन द स्ट्रीट। टॉम जो था वो जिम को जाते हुए देख रहा था। जब वो सड़क पर से वहाँ से जाने लगा तो टॉम उसे देखे जा रहा था। आगे देखिए बेटा, आगे वो हमें क्या कह रहा है। तो देखिए बेटा आगे क्या हुआ, वो तो वहाँ से चला गया जिम। ही स्टार्टेड पेंटिंग अगेन, उसने दोबारा से क्या शुरू कर दिया? पेंट करना शुरू कर दिया। बट ही सून गेट बोर्ड, लेकिन वो बहुत ही जल्दी क्या हो गया? बोर हो गया, उब गया। अब उसे वो काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था। देन ही हियर्ड इज फ्रेंड बेन रोजर्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। तभी उसने क्या सुना? अपने फ्रेंड की, बेन रोजर्स की, स्ट्रीट से जाने की आवाज़ सुनी। बेन वॉज प्रटेंडिंग टू बी एन एरोप्लेन, वो जो बेन था वो किसकी आवाज़ निकाल रहा था? एरोप्लेन की, जैसे आती है ना एरोप्लेन की आवाज़, घी घू इस तरीके की आवाज़ें आती है ना हमारी, इसी तरीके से वो एरोप्लेन की आवाज़ें निकाल रहा था, अजीबोगरीब एरोप्लेन की साउंड्स निकाल रहा था, और वो स्ट्रीट पर दौड़ा चला जा रहा था, और इसी तरीके की आवाज़ उसके कानों में पड़ी कि मेरा फ्रेंड है और वो किसकी आवाज़ें निकाल रहा है? एरोप्लेन की आवाज़ें निकाल रहा है। ही मेड लाउड एयरप्लेन नॉइसेस, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से एरोप्लेन की
जो नॉइसिस थी, आवाज़ें थी, उनको निकाल रहा था। एंड रेन अराउंड द स्ट्रीट, और स्ट्रीट के सड़क के चारों ओर घूम रहा था। आफ्टर अ व्हाइल ही वॉक्ड अप टू टॉम, और बाद में वो कहाँ पर आ गया, चलते चलते टॉम के पास आया। हेलो टॉम, इट लुक्स लाइक यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, बेन सेड। अब उसने क्या कहा, उसका मजाक उड़ाकर, जैसे बच्चे होते हैं ना आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, इसी तरीके से वो टॉम को देख के कहता, हेलो टॉम, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तो तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा काम है। व्हाट, क्या, ओ हेलो बेन, उसने कहा, हेलो बेन, आई डिडंट इवन नो यू वर हेयर। वो कहता है कि मेरे को तो, मुझे तो पता ही नहीं था तुम यहाँ पर हो। टॉम आंसर्ड विदाउट लुकिंग एट हिम, और टॉम ने उसकी तरफ बिना देखे ही उसको आंसर दिया। टॉम ऐसा जानकर कर रहा था, उसको तो पता था कि उसका फ्रेंड आ रहा है, उसने तो काफ़ी टाइम पहले ही उसे देख लिया था, पर जो टॉम था वो तो बड़ा चालाक था, उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं काम कर रहा हूँ और ये मज़े कर रहा है, इसलिए उसने जान के क्या कहा कि ओ तुम यहाँ पर हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। वो जान मुझकर ऐसे दिखाने लगा कि जैसे उसने अपने फ्रेंड को देखा ही नहीं, जबकि वो तो अपने फ्रेंड को पहले ही देख चुका था, क्योंकि उसका फ्रेंड उसका मजाक उड़ा रहा था। वो कह रहा था कि आज तुम्हारे पास बहुत काम है, इसीलिए वो ये क्या कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं कि तुम कब आए। आगे देखो, आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग टूडे, उसने कहा आज मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू गो फॉर स्विमिंग, क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग के लिए जाना चाहते हो। आई गेस यू लाइक टू वर्क, मुझे लगता है आज तुम काम करोगे क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, बेन सेड टू टॉम, जो बेन था उसने टॉम से कहा। उसने कहा क्या तुम मेरे पास स्विमिंग के लिए चलोगे मेरे साथ। फिर वो उसे देख कर क्या कहता है, लेकिन मुझे लगता है आज तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, तुम मेरे साथ नहीं जा पाओगे। बेन वॉज मेकिंग फन ऑफ टॉम, वो उसके साथ मजाक करने लगा, मतलब मजाक उड़ाने लगा उसका। बट टॉम डिडंट स्टॉप पेंटिंग, लेकिन जो टॉम था उसने पेंटिंग करना बंद ही नहीं किया, वो कॉन्टीन्यूसली अपना पेंट किए जा रहा था और उसकी तरफ वो बिल्कुल देख भी नहीं रहा था। दिस इज़ नॉट अ वर्क बेन, उसने जान के क्या कहा, ये कोई काम नहीं है बेन। बैन कुड नॉट बिलीव इट, जो बैन था उसे विश्वास ही नहीं हुआ। डोंट टेल मी यू लाइक पेंटिंग द फैंस, टॉम, इट्स नॉट एवरी डे यू पेंट अ फैंस। अब उसने क्या कहा, ये कोई काम थोड़ी ना है बैन। उसने बैन को जानबूझ के ऐसा दिखाया कि उसको तो पेंट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, उसने कहा ये कोई काम थोड़ी ना है बैन, और हर रोज़ थोड़ी ना मुझे फैंस को पेंट करने का मौका मिलता है। टॉम सैंड वाइल पेंटिंग द फैंस, टॉम ने ऐसा कहा और वो अपनी फैंस को दोबारा से पेंट करने लगा। उसने ऐसा प्रटेंट किया कि उसे पेंट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, उसने कहा रोज़ रोज़ थोड़ी ना मौका मिलता है मुझे फैंस को पेंट करने का, और ये तो कोई काम भी नहीं है, और मुझे तो वो ऐसा दिखा रहा था कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसे पेंट करने में। दिस मेड बैन स्टॉप एंड थिंक, जो उसका फ्रेंड था बेन, वो थोड़ी देर तक खड़ा हो गया और सोचने लगा। टॉम कंटिन्यूड पेंटिंग द फैंस, जो टॉम था वो लगातार अपने फैंस पे पेंट किए जा रहा था। देन स्टेप्ड बैक टू लुक एट इट बिफोर पेंटिंग सम मोर, और वो देखे जा रहा था कि वो और ज़्यादा क्या किए जा रहा है, पेंटिंग किए जा रहा है। टॉम, उसने सोचा और सोचा, कैन आई पेंट द फैंस, उसने कुछ दूर तो सोचा और फिर सोचा कि टॉम को तो पेंट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वो टॉम को कहने लगा, क्या टॉम मैं पेंट कर सकता हूँ, बैन आस्क्ड, बैन ने उससे ऐसा कहा। टॉम थॉट अबाउट इट फॉर अ मिनट, टॉम ने एक मिनट के लिए तो सोचा। इट लुक्ड लाइक ही वॉज गोइंग टू से यस, उसने उसकी तरफ देखा और एक बार तो कहा यस। देन ही सेड, फिर उसने उसे क्या कहा, वेल आई डिडंट थिंक सो बैम, उसने कहा नहीं नहीं तुम रहने दो बैम, दिस इज़ मिसिस स्मिथ फैंस, ये जो मिसिस स्मिथ का फैंस है, एंड
शी जस्ट एनी वन कैन पेंट अ फेंस, और इसे कोई भी पेंट नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही इस फेंस को पेंट कर सकता हूँ। अब उसको ऐसा लगा था उसके फ्रेंड फैंस को कि इसे करने में बहुत मज़ा आता होगा। पहले तो उसने यस कर दी टॉम ने, फिर क्या कह दिया, नहीं नहीं तुम रहने दो, ये तो मिसेस स्मिथ का फैंस है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पेंट करने के लिए कहा है। कम ऑन लेट मी ट्राई, उसने कहा रहने दो प्लीज़ मुझे भी कोशिश करने दो। होता है ना बच्चों में, जैसे उसने टॉम को करते हुए देखा और टॉम ने मना कर दिया कि नहीं मैं ही इसको पेंट करूँगा, तो उन्हें लगा पता नहीं कितना इंटरेस्टिंग काम है, कितना मज़ा आ रहा है इसको करने में। तो उन्होंने क्या किया, टॉम ने जानबूझकर ऐसा कर रहा था, उसको पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो बैन उसकी मदद करेगा, तो वो बार बार यही कह रहा था बैन कि मुझे करने दो। और जो टॉम था वो जान जान के क्या कह रहा था, नहीं रहने दो, जस्ट अ लिटल बिट, आई डू अ गुड जॉब। उसने कहा कि प्लीज़ मुझे करने दो ना, मैं एक अच्छी जॉब करूँगा, मैं मतलब बहुत बढ़िया तरीके से इसको पेंट करूँगा। इफ़ आई वॉज पेंटिंग अ फैंस आई डिड लेट यू डू इट, बैन लुक लाइक ही वॉज अबाउट टू क्राई। जैसे बच्चे होते हैं ना फिर ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हैं, वो भी ऐसे ही उसको रोते हुए बोलने लग गया, प्लीज़ मुझे करने दो ना, मैं इसको अच्छी तरीके से करूँगा और मैं इसको बहुत अच्छा पेंट करूँगा। जैनी आस्क्ड मिसिस स्मिथ इफ़ शी कुड पेंट द फैंस एंड मिसिस स्मिथ सेड नो। फिर वो यही बोलता है कि मिसिस स्मिथ ने तो कहा था सिर्फ मैं इसे कर सकता हूँ। एंड्रयू आस्क्ड टू एंड मिसिस स्मिथ सेड नो टू हिम टू। वट इफ़ यू मेड अ ब्लंडर, इट वुड लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशंस। अब वो क्या कहने लगा जानबूझकर, वो कहने लगा कि मिसिस स्मिथ ने मुझे ये काम दिया है और ये काम मैं बहुत अच्छे से करूँगा। टॉम कहने लगा मैं इस काम को किसी और को करने बिल्कुल भी नहीं दे सकता, अगर तुमने इसे ख़राब कर दिया तो। देखो वो उसे जान जान के कहने लगा कि अगर तुमने ख़राब कर दिया तो मिसिस स्मिथ तो मुझे ही कहेंगी, क्योंकि उन्होंने ये काम तो मुझे ही सौंपा था। आई विल बी केयरफुल, मैं इसे सावधानी से करूँगा टॉम, आई प्रोमिस। उसने कहा टॉम मैं इसे सावधानी से करूँगा, मैं तुम्हें प्रोमिस करता हूँ, क्योंकि उसे तो लग रहा था पता नहीं ये कितना इंटरेस्टिंग काम है। और जो टॉम था वो तो बहुत ही नोटी बच्चा था, वो तो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। हेयर आई विल गिव यू हाफ ऑफ माई कैंडी बार, सेड एज ही टुक अ कैंडी बार आउट ऑफ हिज पॉकेट। उसने कहा प्लीज़ मुझे करने दो ना। बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब उन्हें हम जैसे कि आप अब उनके साथ अगर अपनी गेम नहीं शेयर करते तो वो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ अपनी कैंडी शेयर करूँगा, प्लीज़ मुझे भी खेलने दो। तो इसी तरीके से वो कहता है कि प्लीज़ मुझे पेंट करने दो, मैं तुम्हें अपनी कैंडी बार दे दूंगा, हाफ कैंडी बार दे दूंगा। फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हें अपनी पूरी कैंडी बार दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे ये पेंट करने दो। इट लुक लाइक टॉम वॉज गोइंग टू से यस, ओके बैन। फिर उसने किसकी तरफ देखा, अपने फ्रेंड बैन की तरफ देखा और कहा चलो ठीक है तुम इस काम को कर लो। नो वेट आई कांट, फिर वो कहता है नहीं रुको, आई विल गिव यू ऑल माई कैंडी बार, बैन शाउटेड। फिर उसने क्या कहा बैन ने कि चलो तुम मेरी सारी की सारी कैंडी बार ले लो, पर प्लीज़ मुझे ये काम करने दो, टेक इट प्लीज़। टॉम प्रटेंडेड टू बी सैड, टॉम ने ऐसे दिखाया कि वो तो बहुत ही उदास है, बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन परंतु वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो तो वो काम करना ही नहीं चाहता था, उसने तो ये जानबूझ कर ऐसा किया था। व्हाइल बैन पेंटेड टॉम एट इज कैंडी बार, जब बेन जो उसका फ्रेंड था वो पेंट कर रहा था, तो उस वक्त टॉम क्या कर रहा था, वो मज़े से उसका कैंडी बार खा रहा था। एंड लुकड फॉर मोर किड्स, और वो चारों तरफ देख रहा था कि उसे कुछ और बच्चे जो है वो दिखाई दे जाए। देयर वर लॉट्स ऑफ किड्स इन द नेबरहुड, तब उसे क्या दिखाई दिए, अपने आस पास बहुत सारे बच्चे दिखाई दिए। They came to laugh at the work. वो सारे के सारे उनको काम करते हुए देख कर हंस रहे थे। But they stayed to paint the fence. लेकिन फिर वो क्या हुआ, वो खड़े होकर उस फेंस को देखने लगे जो वो पेंट कर रहे थे। In a few hours, कुछ ही घंटों में
टॉम हैड एन एप्पल, टॉम के पास एक एप्पल भी था, अ ब्रोकन वॉच, उसके पास एक टूटी हुई घड़ी भी थी, अ स्मॉल रेडियो, उसके पास एक छोटी सी रेडियो भी थी, अ बेसबॉल बैट, उसके पास एक बेसबॉल बैट भी था, एंड एन ओल्ड सोसर बॉल, और उसके पास एक सोसल बॉल भी थी। बाय द एंड ऑफ द आफ्टरनून द चिल्ड्रन हैड पेंटेड द ओल्ड फैंस, फिर सारे के सारे बच्चों ने क्या कर दिया, सारा का सारा फैंस पेंट कर दिया बहुत जल्दी ही। और उसके पास इतनी सारी चीज़ें कैसे हो गई थी टॉम के पास, क्योंकि टॉम ने उन बच्चों के साथ भी सेम वैसे ही किया जैसा कि उसने बैन के साथ किया था। उन्होंने उसे ऐसा ही प्रटेंट करवाया कि उसे तो ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो बाकी बच्चों ने भी जिनके पास जो जो भी चीज़ें थी वो किसको दे दी, टॉम को दे दी। तो टॉम तो मज़े से उनको खा रहा था और बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और उन्होंने उसका सारा का सारा फैंस पेंट भी कर दिया था बहुत जल्दी। टॉम लर्न समथिंग सिग्निफिकेंट दैट डे, ही लर्न दैट इफ़ यू वॉन्ट to make someone want something, you only have to make it difficult to attend. अब यही बात है कि इसमें यही चीज़ बताई गई है कि वो क्या सोचता है, वो यही सोचता है कि मुश्किल से निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी हम इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं कि जैसे वो करता है, इसमें टॉम करता है बेटा। अब देखिए इसमें टॉम कैसा दिखा रखा है, टॉम एक शरारती बच्चा दिखा रखा है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी दिखा रखा है। हम भी बचपन में करते हैं ना ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, आप भी अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें की होंगी, जब आप बहुत सारे बच्चे खेलते हो तो आपने भी कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज़ की होगी जैसे कि टॉम ने की। उसने उन बच्चों को क्या प्रटेंड करवाया, उन्होंने उस बच्चे को ऐसे प्रटेंड करवाया जैसे कि उसे तो वो काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले तो कोई काम करने को मना कर रहा था हर कोई, क्योंकि सबको अपना अपना खेलना था, लेकिन टॉम ये सब देखकर यही सोच रहा था कि मैं इस वक्त तो बहुत कुछ कर सकता था, मैं इस वक्त में पेंटिंग कर सकता था, स्विमिंग कर सकता था, पेड़ों पर चढ़ सकता था, कितनी फ़नी फ़नी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता था, और उसका काम ही फिनिश नहीं हो रहा था। तो उसने क्या सोचा, उसने ये प्लान बनाया, उसने उसको ये शरारत सूझी, उसको पता था ऐसे तो उसके फ्रेंड्स उसका काम करने नहीं वाले, तो उसने यही चीज़ दिखाई, उसने ऐसा प्रटेंड किया कि उसको बहुत मज़ा आ रहा है पेंट करने में, जिससे क्या हुआ, बाकी सब फ्रेंड्स भी क्या करने लगे, उसकी मदद करने लगे, उन्हें लगा कि ये भी शायद एक तरीके की बहुत इंटरेस्टिंग गेम ही तो है, तो उन सब ने भी उसकी मदद की और उसके पास बहुत सारा सामान भी हो गया और उसका काम भी हो गया। ऐसी छोटी छोटी शरारतें आप भी अपनी डेली लाइफ में रूटीन में ज़रूर करते होंगे बेटा। तो इसमें टॉम कैसा दिखा रखा है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा और बहुत ही नोटी बच्चा दिखा रखा है, जो बहुत ही शरारतें करता रहता है, इस तरीके की काफ़ी सारी शरारतें वो करता रहता था। तो तभी तो ऐसा हुआ था, उसने अपने फ्रेंड को देखकर कैसा प्रटेंड किया, उसने अपने फ्रेंड को देखकर ऐसा दिखाया कि जैसे उसने तो उसको देखा ही नहीं कि वो कब आया, जबकि वो तो अपने फ्रेंड को बहुत पहले ही देख चुका था, वो तो उसे तभी देख चुका था जब वो सड़क पे काफ़ी दूर था और एरोप्लेन की वॉइसिस निकाल रहा था, साउंड निकाल रहा था, लेकिन उसने उसे क्या कहा कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। जब उसके फ्रेंड ने उसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ आज स्विमिंग पे चलोगे, तब उसने क्या कहा उसके फ्रेंड ने, पर हमें लगता है कि आज तुम्हारे पास बहुत सारा काम है। इस पर टॉम को एक आइडिया आ गया कि इस तरीके से तो मेरा काम पूरा होने ही नहीं वाला, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस तरीके का कोई प्लान करना चाहिए। तभी वो क्या करता है बेटा, इस तरीके का एक प्लान बनाता है जिसमें वो क्या होता है, सक्सेसफुल भी हो जाता है। अब वही उसका फ्रेंड बैन ही नहीं, और भी सभी फ्रेंड्स उसके पास आ जाते हैं और उसका काम फिनिश करवाते हैं, जिससे उसका काम अच्छे ढंग से फिनिश हो जाता है। तो बेटा ये स्टोरी आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी अच्छे से रीड करनी है, अच्छी अच्छी रीड करेंगे बेटा, शुरू से एंड तक इसको पूरी कंप्लीट आपको पढ़ना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।